यहाँ पे सबसे बड़ी बात भैया आपको PS4 विद बॉक्स दे रहे हैं, इसमें हम साथ में CD प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, और शिपिंग वैसी फ्री रहेगी। अच्छा, ये मेटल के कस्टमाइज हो जाते हैं इसके? हाँ, कस्टमाइज हो जाते हैं। इसमें PSP वाली लुक दी हुई है, इसमें हम आपको दे देंगे, सील पैक रहेगा। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द जपनी सिंह व्लॉग्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं Tier 1 गेमिंग लॉन्च में। तो कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, आपका? और पिछली वीडियो का रिस्पांस कैसा लगा, पहले आप ये बताओ। बहुत अच्छा था सर, रिस्पांस काफी अच्छा था, काफी ज्यादा व्यूज आए थे और लोगों ने काफी कमेंट्स किए थे और काफी क्वेश्चन किए थे, जिसका आंसर इस वीडियो में हम करेंगे। तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं PlayStation 4 और PlayStation 5, Xbox Series S और Xbox Series X, तो सभी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और एक नया ट्विस्ट है कि यहाँ पे रेट्रो गेम्स भी आ गए, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो गेम्स के प्राइस में बता दो, कितना प्राइस मिलेगा, मतलब चीप भी चीप मिलेगा ना सारे प्राइस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैंने एक बार जिदा प्ले स्टेशन केड़े पे है, स्लिम पे है या प्रो पे है? हाँ, स्लिम ता जिदा PS4 फैट भी आता सी, ओदा की है? ओदा तुहानू मिल जाएगा 14,000 विच मिल जाएगा PS4 फैट। ते कुछ गेम वगैरह प्रोवाइड करा दोगे नाल ओदे नाल? हां, एक CD मिल जाएगी। CD मिल जाएगी, ओ तुहानू चॉइस करवा देंगे। जो अनलिमिटेड जो लिस्टेड गेम तुहानू विच पैंदियां सी, ओ थोड़ा जिहा हाले शॉर्ट आ नहीं रही है पिछो, तो वो तुहानू वैसे फ्यूचर इन फ्यूचर मिल सकती है, बट हाले अवेलेबल नहीं है। CD तुहानू नाल मिल जाएगी। ते जिद्दां इत्थे PS4 पई है स्लिम, इसका क्या प्राइस होगा भैया? 18,000। और एक कौन सा है, कितना GB वाला है? ये 1 TB। ये 1 TB वाला होगा। और ये CD वाला होगा कि जेलब्रेक वाला होगा? CD वाला होगा। CDs के साथ आपको भैया प्रोवाइड करा देंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी CD है, तो इनमें से भैया एक आपको लिस्ट दे देंगे 10-15 गेम्स में से, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो CDs। तो ऐसा नहीं है कि जेल ब्रेक नहीं, तो आप गेम्स नहीं खेल सकते। और भैया आपको सबसे बड़ी बात, रेंट पे भी गेम्स प्रोवाइड कराते हैं जी। और नेक्स्ट, जैसे PS4 पड़ा हुआ है, ये PS4 ये कौन सा पड़ा हुआ है? ये PS4 प्रो है, ये 1 TB में आता है, और ये इसका प्राइस है 23,000 रुपीस पड़ेगा। ओके, प्राइस पहले से थोड़ा बहुत बढ़ा है। हाँ, पीछे से पीछे से हो रहा है, लेकिन इसका। और ये कौन सा, जेल ब्रेक रहेगा कि CD वाला रहेगा? ये नॉर्मल है, पर इसमें हम साथ में CD प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, और शिपिंग वैसी फ्री रहेगी। शिपिंग फ्री रहेगी ऑल ओवर इंडिया। सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी जाओगे डिलीवरी चार्जेस सब लेते हैं, बट यहाँ पे आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। तो भैया इसकी एक बार मेरे को वारंटी बता दो, वारंटी का क्या सीन होता है इसकी? इसमें हम अपनी वारंटी देते हैं 1 मंथ की। 1 मंथ की वारंटी रहेगी आपकी, टेस्टिंग वारंटी रहती है, तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो रिपेयर और रिप्लेस दोनों हो जाएगी। और नेक्स्ट, जैसे हम PS4 प्रो की बात कर ली, और जैसे इसके अंदर PS4 स्लिम में 500 GB जो वेरिएंट आता है वो मिल जाता है आपके पास? मिल जाएगा। उसका क्या प्राइस रहेगा? उसका 17,000। वो 17,000 रुपीज का रहेगा। प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, लेकिन क्वालिटी हमेशा अच्छी मिलेगी आपको यहाँ पे। और नेक्स्ट, जैसे हम बात करते हैं यहाँ, ये तो Logitech का G29 है ना जी, ये यूज में कि न्यू पड़ा हुआ है? ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है, ओपन बॉक्स है, इसकी पूरी वारंटी है, 2 ईयर वारंटी। अच्छा, 2 ईयर प्रॉपर वारंटी मिलेगी, तो इसका क्या प्राइस पड़ेगा? इसका हम आपको दे देंगे 23,000। 23,000 में आपको सिर्फ मिल जाएगा, तो काफी सही रेट है। मतलब इसका शिफ्टर के साथ है कि शिफ्टर के बिना? ये विदाउट शिफ्टर 23,000 है। अगर आप Amazon वगैरह कहीं पे भी चेक करोगे तो 29,000 to 32,000 इसका प्राइस रेंज रहती है, और ये आपको न्यू मिलेगा विद 2 ईयर्स वारंटी के साथ। हाँ, वो भी Logitech की। और नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टेयरिंग व्हील की, और इसके बाद ये कौन सा, एक इधर भी स्टेयरिंग व्हील पड़ा है, इसका क्या प्राइस रहेगा? ये 2T248 है, ये PS4 PS5 सबके साथ चल जाता है, PC के साथ भी चलता है। अच्छा, PC के साथ भी है, कैपेबल। क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका 21,500। 21,500 रुपीस इसका प्राइस रहेगा। और ये PC के साथ भी, लेकिन ये प्लेस्टेशन लिखा है, PC के साथ है, मतलब Xbox के साथ नहीं चलेगा ना? बस Xbox के साथ नहीं चलेगा। इसका Xbox वेरिएंट भी आता है, पर अभी नहीं आ रहा वो। वैसे इसका मार्केट प्राइस क्या रहता है? इसका 35,000 अराउंड 35,000 प्राइस रहता है, बट ये आपको मिल जाएगा 21,500 रुपीस में। और नेक्स्ट, जैसे और क्या पड़ा हुआ है, ये Xbox पड़ा हुआ है, Xbox सीरीज एस है, ये 512 GB है। हाँ जी, और इसमें भी मतलब अब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि GTA 6 आने वाली है जो अगले साल, इसमें भी आएगी। हाँ जी, इसमें भी आएगी, PS5 में भी आएगी, सब में आएगी, तो ये अच्छा बिक रहा है अभी। और इसका है प्राइस आपका 23,000। ये आपका, इसकी आपकी वारंटी है जनवरी 15 तक इसकी वारंटी है माइक्रोसॉफ्ट की। हाँ जी, तो 23,000 का आपको मिल जाएगा। ये कितनी स्पेस रहती है इसके अंदर? 512 GB, 512 GB इसके अंदर स्पेस रहती है। और गेम पास आपसे परचेज कर सकते हैं, इसका अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। गेम पास का क्या प्राइस रहता है इसका? 4,000 का गेम पास। 13 months, मतलब एक साल से भी ऊपर है। हाँ जी, 13 months का रहेगा। और गेम्स इसके अंदर भी आपको 1,000 और 2,000 प्लस गेम्स ही मिल जाएगी, और लेटेस्ट गेम्स मिल जाती है आपको। नेक्स्ट, अगर इसके अंदर Xbox, ये सीरीज एस है ना, इसके अंदर एक सीरीज एक्स मॉडल आता है। सीरीज एक्स आपको दे देंगे, वो 2 months पुराना होगा। अच्छा, 2 months पुराना होगा, मतलब 10 month वारंटी होगा, 8 to 10 month।
37,000 का दे देंगे आपको। 37 न्यू का क्या प्राइस रहता है उसका? उसका 42-45 तक, 42-45 तक रहता है, और यूज में आपको मिल जाएगा 37,000 तक का। बाकी अगर आप आते हैं तो थोड़ा बहुत और प्राइस भी कम हो जाएगा। विजिट करोगे, विजिट करना, कॉन्टेक्ट कीजिएगा। बाकी मेरे चैनल के थ्रू आएंगे थोड़ा बहुत आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और नेक्स्ट, अभी हमने PS5 की नहीं बात की, PS5 का क्या चल रहा है प्राइस? PS5 न्यू स्लिम वाला मिल जाएगा आपको, सील पैक। PS5 स्लिम एक बार मैं दिखा देता हूँ। इसमें पहले से एक तो साइज का डिफरेंस तो आया ही है, और इसमें 1024 GB है। 1024 GB, ओके। उसके अंदर 825 GB था वो फैक्ट, इसके अंदर स्पेस ज्यादा ही है। हाँ, इसमें स्पेस ज्यादा है, ओके। पर ये वन, इसको कहते हैं 1TB वेरिएंट, 1TB वेरिएंट है, पर ये 1TB से ऊपर है। 1024, ओके। तो इसका क्या प्राइस रहेगा? इसमें हम आपको दे देंगे, सील पैक रहेगा, 46,500। 46,500, ये 2 years की वारंटी वाला दे, सॉरी 1 year की वारंटी वाला दे रहे हो आप ऑफिशियल? हाँ जी। बट इसका मेरे ख्याल से प्राइस तो अराउंड 50,000 सेल में जाता है। आपने और कम कर दिया, 46,000। 47 मैंने पिछली बार बोला था, 46,500 हो गया, तो प्राइस और कम हो गया। मतलब अगली बार आए तो और कम मिल जाएगा। डिपेंड करता है। चलो, इसके अंदर स्लिम में एक हमारा फैट मॉडल भी आता है वो। हाँ। ये वैसे आपने यूज में, न्यू में बताया ना, न्यू सील पैक, ये न्यू में सील पैक में बताया। और न्यू में PS5 स्लिम, PS5 फैट मिल जाएगा? न्यू में तो अभी नहीं आ रहा, ओपन अपना यूज में, जो यूज में है वो उसमें मिल जाएगा, विद इन वारंटी के बीच। हाँ, वारंटी के अंदर मिल जाएगा। तो क्या प्राइस रहेगा उसका? बाकी आउट ऑफ वारंटी भी रहेगा तो अपनी वारंटी। मिनिमम क्या प्राइस रहेगा अगर PS5 मिनिमम ले लेंगे तो 34,000 में आपको मिल जाएगा। 34,000 डिजिटल होगा कि CD वर्जन वाला? CD वाला। CD वर्जन वाला क्या हुआ था? 34,000 डिस्क वर्जन वाला मिल जाएगा 34,000 में। और अगर विद इन वारंटी तो आपको कितने मिल जाएगा वो? विद इन वारंटी 36-37। अच्छा, मतलब इतने में रहता है। 37 में तो आपको गेम भी मिल जाएगी। अच्छा, मैक्स टू मैक्स 38-39 तक लगा के चलते? नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा, 37 तक मैक्स में आपको PS5 मिल जाएगा, यूज फैट वेरिएंट। और सीडीज भी आप प्रोवाइड करा देते हो? सीडीज आपको हमारा पड़ी, तो सीडीज भी प्रोवाइड करा देते हैं। अब नया स्टॉक आ गया इनका, सीडीज और थोड़े रेट्रो कंसोल्स भी आ गए। एक बार हम रेट्रो कंसोल्स की बात कर लेते हैं एक बार, तो रेट्रो कंसोल दिखा दो। जैसे स्टार्टिंग सबसे चीपेस्ट वाला दिखाना सबसे पहले, अगर कोई चीपेस्ट वाला आपका ये जो टू प्लेयर में आता है। अच्छा, मेरे दोस्त को भी लेना था वैसे। ये हम आपको 1400 में दे देंगे। 1400 मार्केट में 1600 प्राइस आप चेक कर सकते हैं, मिनिमम 1500 जाता है, आप 1400 में दे रहे हो। इसके अंदर कितनी गेम्स प्रो होती हैं? इसमें 15,000 प्लस गेम्स, 15,000 प्लस गेम्स रहती है। इसमें कोई ऐसा लैग और डिले का सीन है कि नहीं है ऐसा कुछ? इसमें ये थोड़ा कम क्वालिटी में है, तो थोड़ा सा आता है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ठीक है, मतलब वायरलेस है, HDMI है, 4K में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता हूं। अच्छा, तो उसके मामले में तो ये जैसे आपने 1400 रुपीज वाला बताया, इससे ऊपर अगर कोई वेरिएंट चाहिए तो कौन सा होगा? इसमें ये वाला एक वेरिएंट आता है, ये भी टू प्लेयर है, और ये एंड्रॉइड वाला आता है इसमें। अच्छा, एंड्रॉइड वाला आता है, टीवी के साथ कनेक्ट हो जाता है। हाँ, इसका क्या प्राइस रहेगा? इसमें आप 3500 का देंगे, 3500 रुपीज का मिल जाएगा। और इसके, इनके साथ कोई वारंटी वगैरह आती है कि चाइनीज प्रोडक्ट? ये चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, तो कोई वारंटी नहीं होती, टेस्टिंग वारंटी मिल जाएगी, टेस्ट करा के आपको दे देंगे, चेक करा के। ठीक है। और नेक्स्ट, इसके बाद जो गेम बॉक्स पड़ा हुआ है उधर, ये गेम बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें इससे भी ज्यादा गेम्स हैं, और ये 4200 का है, ये 4200 रुपीज का। इसके अंदर कितनी गेम्स आती हैं? इसमें भी 25,000-30,000 से प्लस आती है, 25,000-30,000 गेम्स आ जाती है आराम से इसके अंदर। और इसका क्या प्राइस है? 4200। और ये भी आप टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस क्वालिटी का तो नहीं कोई फर्क आता अगर किसी ने 4K टीवी में कनेक्ट करना तो? नहीं नहीं, इसमें नहीं, क्वालिटी सेम आती है। ठीक है। और इसके बाद अगर थोड़ा और ऊपर वेरिएंट में है कि बस ये लास्ट है? ये लास्ट है, इसमें ये लास्ट है। अगर हम हैंड हैंडल कंसोल की बात करें तो हैंड हेल्ड में आपको ये वाला मिल जाएगा। एक तो सबसे पहले ये दिखा देते हैं। अच्छा, ये क्या नाम, ये कौन सा वाला कंसोल है? ये भी G5S का नाम। अच्छा, G5S है, एक सुप करके भी आता है इसका कंसोल, सबसे बढ़िया है ये। अच्छा, उससे अच्छा है ये? उससे अच्छा है, ये टीवी में भी कनेक्ट। अच्छा, क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका 600 ओनली, 600 प्राइस रहेगा। और इसके अंदर भी गेम्स मतलब आपकी 8-bit और 16-bit वगैरह चल जाती है। और नेक्स्ट अगर इससे ऊपर चलें तो थोड़ा इससे ऊपर जाएंगे तो ये वाला आ जाता है M17। M17, ओके। ये मैंने रिव्यू जैसे देखा हुआ है, काफी अच्छा वेरिएंट है। हाँ, ये अच्छा है। इसमें जो जॉयकॉन लगे हुए ना, जॉयकॉन जैसे निंटेंडो आइकॉन सेम वैसे लगे होते हैं। अच्छा, जॉयस्टिक वगैरह अच्छी है। हाँ, इसमें PSP वाली लुक दी हुई है कुछ। हाँ जी, PSP PS1 सारी गेम्स आती हैं। ठीक है। और इसका क्या प्राइस रहेगा? ये मैं आपको 3500 में दे रहा हूं। अच्छा, ये भी 3500 रुपीस का ही रहेगा। हाँ जी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम चले इसके ऊपर, जैसे वो गेम कंसोल वाला है, ये वाला, ये हैंड हैंडल कंसोल, ये मैं क्या से थोड़ी OLED डिस्प्ले, इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी है, डिस्प्ले काफी अच्छी है इसकी, अंदर स्क्रीन गार्ड भी अंदर होता है इसमें। और इसके अंदर भी 15,000 गेम्स होती है जब तक मैंने ट्राई किया हुआ। तो क्या प्राइस रहता है इसका? ये आपको दे देंगे आपको 4000 रुपीस। ये सिर्फ 4000 रुपीस का? अच्छा, प्राइस कम हो गया पहले से। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर,
तो ये हमारा लास्ट है सबसे हाई वेरिएंट पे। हाँ, रेट्रो में तो जैसे हमने सीडीज भी अब थोड़ा सा लगाए हैं एक्स्ट्रा। सीडीज का क्या प्राइस रहता है अगर PS4 की बात अलग रहती है? PS4 में तो 300 से स्टार्टिंग है। अच्छा, 300 से स्टार्टिंग है। और 300 की कौन सी मिलेगी हमें? 300 में आपको फीफा मिल जाएगी, फीफा 19 मिल जाएगी। अच्छा हाँ, और मतलब आप प्रोवाइड भी करा देते हो अगर किसी को अलग से कोई जो टाइटल अवेलेबल ना हो वो भी आप प्रोवाइड करा देते हो? हाँ, अलग से मिल जाता है, अलग से मिल जाता है। PS5 की क्या स्टार्टिंग रहेगी प्राइस की सीरीज की? PS5 में स्टार्टिंग रेंज आपको मिल जाएगी आपको 1600 रुपीज से स्टार्टिंग है। 1600 रुपीज से? हाँ जी। अच्छा, और इसके अंदर भी मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, सीडीज आपको मोस्टली मिल जाएगी। बाकी कोई अगर नहीं आपको दिख रही तो भैया आपको अवेलेबल करा देंगे। और यहाँ पे जैसे कंट्रोलर की भी बात कर लेते हैं, कंट्रोलर का क्या प्राइस रहेगा? कंट्रोलर आपको यूज में मिल जाएगा। किसका? PS5 का। क्या प्राइस रहेगा उसका? वो बॉक्स के साथ हमने ले लिया है। हाँ जी, तो इसकी ना वारंटी है बॉक्स के साथ है तो कुछ 1 month वारंटी। अच्छा, 1 month वारंटी मिलेगी। ओरिजिनल रहेगा क्या प्राइस रहेगा इसका? ओरिजिनल है 3800 का। 3800 रुपीज। हाँ जी, ओके। अगर इसी में विदाउट बॉक्स लेते हैं तो? विदाउट बॉक्स अभी नहीं है। अच्छा, विदाउट बॉक्स अभी नहीं है। वैसे क्या प्राइस रहता है उसका नॉर्मली? इसका 3500-3600 रहता है। और न्यू इसमें मिल जाएगा अगर इसमें? न्यू मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, कैमो मिल जाएगा, मेटालिक ब्लू मिल जाएगा। अच्छा, क्या प्राइस रहेगा इसका? ये वेरी करते हैं, 5300-5500। ओके, और जैसे एक्सबॉक्स का किसी को चाहिए कंट्रोलर? एक्सबॉक्स का भी मिल जाएगा 3500 का, वो विद बॉक्स होगा। अच्छा, वो विद बॉक्स ही होगा 3500 रुपीज। हाँ, वाइट ब्लैक। अच्छा, वो यूज में मिलेगा? हाँ, यूज में। ओके, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दी कंट्रोलर्स भी सारे पड़े हुए हैं इधर। एलीट कंट्रोलर भी हमारे पास। अच्छा, एलीट भी, एलीट सीरीज 2। ओके, ये इसका प्राइस तो काफी ज्यादा रहता है ना? ये आपको हम दे देंगे 11000 का दे देंगे। ये न्यू है कि यूज में है? यूज में है। यूज्ड में है 11000 का। न्यू का क्या प्राइस? न्यू क्वालिटी है इसकी। न्यू का क्या प्राइस रहता है इसका? न्यू 1716 रहता है। 1716 रहता है। करो एक बार ओपन करके दिखा दोगे? इसमें सारे पेडल शिफ्टर्स एक्स्ट्रा वगैरह लग जाते हैं इसमें। ये मेटल का आता है इसमें। अच्छा, ये मेटल के कस्टमाइज हो जाते हैं इसके? हाँ, कस्टमाइज हो जाते हैं सारे। ये सारा मैग्नेटिक होता है। ये मैग्नेटिक होता है और ये कस्टमाइज आप कर सकते हो कंट्रोलर। हाँ, और अंदर पड़े पड़े भी चार्ज रहता है ये। अच्छा, ये केसिंग भी चार्जिंग वाली है? हाँ, यहाँ से निकल जाती है। ओके, तो ये 11000 रुपीज का आपको यूज में मिल जाएगा। न्यू कितने का था इसका? न्यू 17-18 17-18000 का मिलता है। और कोई वारंटी है इसके साथ में? इसमें वारंटी 1 month की हमारी। 1 month की टेस्टिंग वारंटी आपको मिल जाएगी। तो जिसको अगर चाहिए एलाइट वर्जन चाहिए तो एलाइट वर्जन भी मिल जाएगा। एलाइट सीरीज 2। भैया मुझे एक वो चीज बता दो, जैसे पीछे वो क्या बैग्स पड़े हुए हैं इसके? हाँ, PS5 के बैग्स हैं। अच्छा, वैसे मैंने PS4 के तो कोई बैग नहीं आते ना जहाँ तक? PS4 के तो नहीं आते। PS5 के बैग है, स्लिम के भी हैं, फैट के भी हैं। स्लिम के भी बैग्स आ गए हैं। हां, इसको ओपन करके दिखा दो। हां, कैसा होगा ये? So, इसकी क्वालिटी वैसे कहते तो हैं कि काफी अच्छी रहती है। अच्छी रहती है। कैरी कर रहे हो कहीं पे अगर गिर भी जाता है तो डैमेज से आप बच सकते हो। हाँ। जैसे ओके, तो इसके अंदर जैसे आपका PS5 स्लिम आ जाएगा। PS5 आएगा। यहाँ पे सीडी आ जाएगी सारी। हाँ जी, आपको दिखाएंगे। और नेक्स्ट कंट्रोलर का भी इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। कंट्रोलर भी है, सब ऑप्शन है इसमें। ओके, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे आपके दो कंट्रोलर्स आ जाएंगे, वायर्स आ जाएंगी, और हेडफोन्स वगैरह का है ऑप्शन इसमें कि नहीं? इसमें नहीं है, वो फैट में आता है। अच्छा, फैट में आता है, इसमें नहीं है। और वैसे इसका क्या प्राइस रहेगा भैया? ये कोई भी ले लो 2000 का। 2000 का, जैसे यहाँ पे ब्लैक पड़ा हुआ है, एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं कलर्स में। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रेड भी पड़ा हुआ है, कैमो कलर भी पड़ा हुआ है, ब्लू भी पड़ा हुआ है। आप फैट ले लो, स्लिम ले लो, सबका आपको सेम प्राइस ही मिलेगा। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि PS5 आपको ये न्यू पड़े हैं कि स्लिम यूज में है? ये यूज्ड में पड़े हैं। ये यूज में पड़े हैं। तो ये भी आपको विद इन वारंटी और विदाउट वारंटी विद बॉक्स आपको मिल जाएंगे, जिसका मैंने प्राइस आपको बता दिया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात भैया, आपको PS4 विद बॉक्स दे रहे हैं। आप अगर PS4 लेने जाते हो तो हमेशा कॉपी बॉक्सेज ही मिलते हैं, तो आपको ओरिजिनल बॉक्स के साथ मिल रहे हैं PS4। सबसे बढ़िया बात भैया, ओरिजिनल बॉक्स के साथ मिलेंगे सारे। हाँ, ओरिजिनल सारे ये ओरिजिनल बॉक्स के साथ मिलेंगे। ओरिजिनल सील होगी इसकी, और एक गेम्स आप इसके अंदर आप रेंट पे बाय कर सकते हो अलग से। हाँ जी, ठीक है। बाकी भैया मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे PS4 की आपने एसेसरीज भी कुछ थोड़ी बहुत ऐड की है, तो वो भी एक बार बता दो आप। एसेसरीज में क्या क्या है आपके पास? एक्सेसरीज में PS4 का आपको चार्जिंग डॉक मिल जाएगा। अच्छा, चार्जिंग डॉक एक बार दिखाने PS4 का। PS4 अच्छा, ये सिर्फ चार्जिंग डॉक है चार्जिंग के लिए? स्लिम प्रो दोनों हो जाते हैं इसके अंदर? ये कंट्रोलर का है। कंट्रोलर का आई मीन स्लिम प्रो और V1 V2 दोनों चार्ज हो जाते हैं? दोनों। ओके, तो क्या प्राइस रहेगा इसका? ये 700 रुपये। 700 रुपीज़ का रहेगा। डॉबी ब्रांड है, थर्ड पार्टी ब्रांड होते हैं बाहर के, तो इनके साथ वारंटी
भी कोई नहीं होती, वारंटी होती। हाँ जी। और नेक्स्ट अगर जैसे पी एस फाइव का भी आपके पास ऊपर PS5 का भी मिल जाएगा, ये फुल स्टैंड होता है इसमें। अच्छा, PS5 फैट लग जाती है तुम्हारी। हाँ जी, फैट और अपना डिजिटल और डिस्क वाली। अच्छा, सिर्फ फैट वाली लगी। हाँ, स्लिम नहीं लगती। स्लिम नहीं लगती। इसका क्या प्राइस रहेगा? ये आपको दे देंगे 1400 में। 1400 रुपीस में मिल जाएगा। हाँ। और नेक्स्ट जैसे PS5 का भी चार्जिंग डॉक पड़ा हुआ है ऊपर। ये वाला है, ये देख लो। अच्छा, ये अच्छा, ये PS5 का है। क्या प्राइस है इसका? ये 700। ये भी Dolby ब्रांड का है? ये Dolby ब्रांड। और इससे ऊपर थोड़ा प्रीमियम में जाना हो तो? थोड़ा प्रीमियम में जाओगे तो एक ये मिल जाएगा, ये भी Dolby का है। ये अच्छा है, चलता है मतलब। अच्छा, क्या प्राइस रहेगा इसका? ये 1200। ये 1200 रुपीस का रहेगा। और नेक्स्ट इसके अंदर अगर PS4 का किसी को कूलिंग पैड चाहिए तो उसका क्या प्राइस रहेगा? PS4 का ये वाला कूलिंग पैड मिल जाएगा। अच्छा, इसमें प्रो दोनों के साथ यूज हो जाता है? हाँ, ये सब में चल जाएगा आपका। और इसमें सारी अपना कूलिंग पैड भी है, डिस्क भी लग जाती है, कंट्रोलर भी चार्ज होगा। ओके, क्या प्राइस रहेगा इसका? ये 1600 रुपए का। और इसकी ये भी Dolby ब्रांड की तरफ से आता है? ये Dolby ब्रांड की। और नेक्स्ट जैसे मैंने ना इसके अंदर हमने सारी चीजें कवर तो कर ली है, लेकिन ये क्या ये SSD पड़ी हुई है? हाँ, ये PS5 की SSD है, जैसे किसी ने अपग्रेड करानी है। अच्छा, अगर इसका क्या प्राइस रहता है? ये 2TB की है, सील पैक। अच्छा, 2TB सील पैक है, तो इसकी वारंटी भी होगी? इसमें 5 ईयर वारंटी आती है। अच्छा, 5 ईयर वारंटी है, 2TB की सील पैक है, सैमसंग ब्रांड की। क्या प्राइस है इसका? ये ईवो 990 है। हाँ, तो इसका प्राइस रहेगा 14,000 रुपीज प्राइस रहेगा। और अगर किसी को PS5 लेना है और किसी को अगर स्पेस ज्यादा बढ़वानी है तो वो इसके लिए इंसर्ट करवा सकते हैं आपसे। हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप दोनों चीजें लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको लेस हो जाएगा, अगर आप दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में लेते हैं। ठीक है, सो गाइस, हमने सारी चीजें मोस्टली कवर कर दी है। PS4, PS5, Xbox और जो भी एसरीज उनकी अलग से आती है वो भी हमने कवर कर दी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पहले भैया अपना एक बार एड्रेस बता दो आपका, कहाँ पड़ेगा ये? पड़ेगा B4 आशा पार्क। हाँ जी, जेल रोड के पास पड़ेगा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तिलक नगर पड़ेगा आपको। हाँ जी, और टमी सेक्शन के सीधा अंदर। हाँ, टमी सेक्शन वाली गली है। हाँ जी, जिसका जेल रोड से। हाँ जी, आपको इसका गूगल मैप का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात, भैया का ग्रुप भी है व्हाट्सएप इनका, जिसके अंदर गेम्स के प्राइजेस आते रहते हैं। अगर आप मेरी वीडियो नहीं आती तो आप वहां से अपडेट ले सकते हैं। तो आपको ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाँ जी, तो भैया उसका मतलब क्या फायदा होता है ग्रुप में, ये बता दो। ग्रुप में ये फायदा होता है आपको, जो यहाँ चीजें नहीं होती वो भी दिख जाती हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि PS3 हो गया, कभी बाय चांस आ गया, जैसे इसका पूरा स्टैंड भी आता है। अच्छा, स्टैंड भी तो हमने खुद भी लगाया हुआ, हमारे गेमिंग लॉन्च भी आपको पता है। हाँ जी, तो हमने खुद भी लगाया हुआ, पूरा स्टैंड आता है। अब यहाँ पे दिखा नहीं सकते, ऑन ऑर्डर आया था वो। ओके, तो वो 31,000 में आपको पूरा फ्रेम मिलेगा, मेटल फ्रेम मिलेगा, साथ में सीट मिलेगी, विंडो अपना मॉनिटर स्टैंड वगैरह सब कुछ मिलता है। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, लास्ट जो क्वेश्चन आया था, अगर किसी को प्लेशन लेनी है तो एक कमेंट आया था किसी का कि EMI पे अवेलेबल हो जाएगी। EMI अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। हाँ जी, तो हो जाएगा। अच्छा, क्रेडिट कार्ड है तो आपका हो जाएगी EMI। और एक और क्वेश्चन था कि कुछ लोगों को मेंबरशिप का कंसेप्ट ही नहीं समझ आया था। वैसे भैया का मेंबरशिप का इतना ज्यादा उनको ऑर्डर आया कि मेंबरशिप सारी खत्म हो चुकी है अभी तो। बट जो मेंबरशिप था उसका एक बार कंसेप्ट बता देते हैं कि मेंबरशिप में क्या होता है। आपको एक बार प्राइस पे करना होता है और 1 ईयर के लिए आपकी गेम्स फ्री होती हैं, जो प्लेस्टेशन के प्रोवाइड आपको कराता है गेम्स। ऐसे ही होता है, PS प्लस एक्स्ट्रा वाली जो होती है। हाँ जी, आप ऑनलाइन देख सकते हो, लिखोगे आप PS प्लस एक्स्ट्रा गेम्स। हाँ जी, आपको पूरा गेम कैटलॉग नाम करके होता है। हाँ जी, कैटलॉग, उसमें आपको पूरी लिस्ट दिखेगी। हाँ जी, उसमें जो जो गेम्स होती है ना आपको, उसमें PS4 के लिए या PS5 के लिए, PS4 के लिए उसका प्राइस है 2500 और PS5 के लिए 3500। ओके, हाँ, प्राइस थोड़ा इंक्रीज हुआ है पहले से। प्राइस थोड़ा इंक्रीज हुआ है क्योंकि पीछे से सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, पीछे से ही प्राइस बढ़ गया। अच्छा, पीछे से ही प्राइस बढ़ गया। तो इसके अंदर यही कंसेप्ट है कि आपको गेम्स आप परचेज कर सकते, आपको एक बार की मेंबरशिप लेनी है और गेम्स आपको फ्री मिल जाएगी एक साल के लिए। एक साल तक तो कोई टेंशन नहीं है ना, आराम से एक साल के लिए आराम से खेलो, उसमें सारी गेम्स आने। और सबसे बड़ी बात, आप ऑनलाइन भी खेल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर ऑनलाइन नहीं खेल सकते, अपने फ्रेंड्स के साथ वगैरह। हां जी, और भैया का गेमिंग लाउंज भी है जिसके अंदर आपको आपको PS5 आप यहां पे एंजॉय कर सकते हो ओनली एंड ओनली 150 रुपीज में और एक्सबॉक्स 100 रुपीज में। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।